सर आज 1 जनवरी 2023 है, आज ही दिन 1818 में 500 महार सैनिकों ने पेशवा राज को ख़त्म किया था पूना में। शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश से मनाया जाता है और वहाँ पर कई लाख अनुयायी प्रत्येक वर्ष पहुँचते हैं अभिवादन करने के लिए उस 500 महार शूरवीरों को, और जिसकी हम लोगों की जानकारी 2018 में हुई, 1 जनवरी 2018 की जब वहाँ पर घटित घटना हुई तब हम लोग भी जाने कि इस तरह की कोई लड़ाई लड़ी गई थी, नहीं तो पूरे देश में क्या इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं गया है, इसलिए किसी को जानकारी नहीं थी। और हम तो बस्ती उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और मुझे 2018 में ही जानकारी मिली कि ऐसी घटना हुई है, और यहाँ पर सन 1818 में 1 जनवरी 1818 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवा को ख़त्म किया था लड़ाई लड़के, शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस उपलक्ष्य में? सर आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते, मैं सिद्धराम होल ऐरोली नई मुंबई से आपके चैनल से बात कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि 1 जनवरी ये बहुत ही बड़ा दिन है, इसी दिन में 1818 में लड़ाई हुई थी, ये बात सही है। तभी इस महाराष्ट्र में पेशवाई राज था, जो राजा बोले वैसा प्रजा चले, ऐसी बात उस वक्त थी। अरे उसी समय समाज में जाति के नाम से, अछूत के नाम से यहाँ के लोगों को बहुत ही अन्याय किया जाता था उनके ऊपर, और उस अन्याय के खिलाफ ये महार कम्युनिटी के जो लोग हैं, महार समाज के लोग हैं, वो गुस्से में थे। हम भी इंसान हैं और इंसान होकर भी इंसान तरीका हमें न्याय क्यों नहीं मिलता? इसीलिए जो पेशवाई के राज में जो अन्याय अत्याचार वहाँ होते थे उसके खिलाफ ये जो महार कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये महार कम्युनिटी के लोग वो उन अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते थे। उसी वक्त यह ब्रिटिशरों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, और इंग्रज और बाजीराव उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती थी, और ब्रिटिश हर जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार में या सैनिकों में महार कम्युनिटी के जो सैनिक है वो शूर सैनिक शामिल हो गए, उस वक्त 28,000 पेशवाओं का पराजय 500 महारों ने किया था। ये बहुत बड़ी क्रांति 1818 में हुई थी, और जो पेशवाई भाष में थी वो पेशवाई खत्म हो गई। उस 1818 को और अभी कम से कम 205 वर्ष हुए हैं, इसीलिए ये महार कम्युनिटी के लोग आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महार समाज को बौद्ध समाज, बौद्ध धर्म दिया, वो बौद्ध समाज भारी संख्या में, लाखों की संख्या में भीमा कोरेगांव, वहाँ जो ब्रिटिशों ने एक स्तंभ खड़ा किया है बहुत बड़ा, वो स्तंभ को प्रणाम करने के लिए, अपने महार सैनिकों को अभिवादन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए हर साल वहाँ लाखों की भीड़ में लोग जाते हैं। 1818 से काफ़ी लोग क्रांति जगाए हैं, जैसे 500 महार शूरवीरों ने एक क्रांति दिखाई 1818 में, ऐसे ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, फिर छत्रपति साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फिर आपके संत गाडगे बाबा, ऐसे तमाम संत जो गुरु जन्मे हैं वो भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में क्रांति करके बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, उनकी याद में आप क्या कहेंगे सर? ये बात सही है कि महाराष्ट्र ये क्रांतिकारियों का स्टेट है, इसलिए हमें इस महाराष्ट्र का अभिमान है,
जरूरी इस महास में बड़े बड़े महामानव समाज सुधारक यहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए अर्पित किया। उसमें महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, और ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस महास के ये जो बहुत ही बड़े महामानव हैं, राष्ट्रपुरुष है, उन्होंने अपना जीवन संघर्ष में बिताया है। इस महास के या देश के जो विषमता है, विषमता को समता में लाने के लिए इंसान इंसान से प्यार करे, इंसान इंसान से दुश्मनी मत करे। इसी तरह संत गाड़गे बाबा महाराज ने भी यहाँ बहुत ही बड़ा समाज सुधारने का काम किया है। जो स्वच्छता अभियान है, वो स्वच्छता अभियान अगर हर आदमी, हर फैमिली अगर उसका पालन करे तो यहाँ बीमारी नहीं आएगी, वातावरण अच्छा रहेगा। एक अच्छा संदेश वो खुद उन्होंने दिया था। वो जग गांव गांव जाते थे, देहातों में जाते थे, शहरों में जाते थे, प्रवचन देते थे। और इस सफाई का महत्व, साफ सफाई का महत्व, स्वच्छता का महत्व क्या है, वो लोगों को जरूर बताते थे। जैसा कि अभी ज्ञानेश्वर महाराज है, संत गाड़गे बाबा है, संत कैकाड़ी महाराज है, ये जो संत यहाँ हुए, वो संतों की परंपरा इस समाज को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाह महाराज, ये जो राजे थे, वो राजे भी पुरोगामी विचारों के थे। यहाँ जाति जाति में समेट होना चाहिए, जाति जाति में प्यार होना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए वो अन्याय के खिलाफ, जहाँ जो जो अभी औरंगजेब वो अन्याय करते थे, वो अन्याय के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई की, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो अपने देश के थे, देश के ही लोग उच्चता नीचता के कारण लगाकर अछूतों को या दलितों को बहुत पीड़ा देते थे, अन्याय करते थे। उसके खिलाफ बाबा साहब ने जंग जंग पछाड़ा, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इस महाराष्ट्र को शिक्षा की दिशा दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा लेकर इस भारत देश का संविधान लिखा। ऐसे महान लोग यहाँ इस महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इसलिए इस महाराष्ट्र का हमें बहुत बड़ा अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।